सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर स्ट्रीम गाइस। आज का ये जो मैच होने वाला है दोस्त, आज डे है 9 और यहाँ पर इरेंगल की मैप में यहाँ पर मैच होने वाला है और धीरे धीरे सारे बंदे यहाँ पर जुड़ रहे हैं दोस्तों। और 5 मिनट के बाद यहाँ पर मैच स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। जो जो बंदे नहीं आए हैं जल्दी आके ज्वाइन कीजिए और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैच स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ही रोमांचक मैच यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। बहुत सारे बंदे आज आएंगे और खेलेंगे, बहुत ही तगड़ी फाइट होगा दोस्तों। और देखते हैं राइवल टीम जो कि आमने सामने हर वक्त लड़ते हैं और कौन आज किसको यहाँ पर एलिमिनेट करता है वो देखने वाली बात रहेगी दोस्तों। 30 बंदे यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मिस्टर चेतन की टीम प्रॉपर स्क्वाड के साथ यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। और यहाँ पर निरंजन के भी 2 बंदे आए हैं शायद, और यहाँ पर वेलेक्स की टीम के बंदे पूरा स्क्वाड के साथ आ चुके हैं। और एक बंदा 5 मिनट के अंदर, जल्दी आइए जुड़िए। अध्यक्ष रंजन की टीम भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं दोस्तों। गोरल स्पाइडर जो कि यहाँ पर जेक्स डेल आदि की टीम भी प्रॉपर स्क्वाड के साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। वन शॉट ओडिशा की टीम 2 बंदे यहाँ पर जुड़ चुके हैं। मैक्सटोन के भी 2 बंदे यहाँ पर जुड़ चुके हैं। लेकिन बर्ड मोंकी की टीम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बहुत दिन हो गया नहीं खेले थे ये लोग, लेकिन कल आए हैं ये लोग। और यहाँ पर नाभी की टीम भी प्रॉपर 3 बंदे आ चुके हैं। यहाँ पर धीरे धीरे सभी बंदे जुड़ रहे हैं और कम समय के बाद यहाँ पर मैच स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, टाइम ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है और वार्निंग टाइम दिया जा रहा है 1 मिनट, उसके बाद मैच स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। जो जो बंदे नहीं आए हैं जल्दी आके जुड़िए। और आज हम एक बंदे, हमारे बंदे को यहाँ पर स्पेक्टेटर में रखेंगे
क्योंकि चारों तरफ ध्यान दिया जाएगा कौन क्या करता है। और यहाँ पर दोस्तों आ चुके हैं सारे के सारे बंदे। सभी के टीम के बंदे आते हुए, और 1 मिनट यहाँ पर आप सभी को वार्निंग टाइम दिया जा रहा है। जो जो बंदे नहीं जुड़े हैं आके जल्दी जुड़िए, नहीं तो यहाँ पर मैच स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों वार्निंग टाइम चल रहा है, जल्दी आके जुड़िए। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों क्लासिक बॉय जो हम यहाँ पर स्पेक्टर में रखेंगे उनको, हमारा हमारा बंदा है वो, थोड़ा चारों तरफ देखना पड़ेगा। वो सभी बंदे को देखेगा और कुछ गड़बड़ होगा तो मुझे बोलेगा वो। यहाँ पर एक स्पेक्टेटर को यहाँ पर हम ला चुके हैं। 1 मिनट चल रहा है दोस्तों, उसके बाद मैच स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर टाइम हो चुका है दोस्तों, लेट्स गो गाइज। और यहाँ पर मैच स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, लेट्स गो। और यहाँ पर मैच स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। सारे के सारे बंदे यहाँ पर आ चुके हैं, प्रॉपर स्क्वाड के साथ आए हुए हैं। लेकिन कम ही स्क्वाड ऐसे हैं जो कि एक एक बंदे शायद नहीं खेल रहे हैं, लेकिन प्रॉपर स्क्वाड के साथ ज़्यादातर बंदे यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच यहाँ पर होने वाला है आज, देख सकते हैं। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play और यहाँ पर responsibly. देख सकते हैं दोस्तों सारे के सारे बंदे यहाँ पर वार्म अप करते हुए, ग्राइंडिंग चल रहा है यहाँ पर। और इसी के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच यहाँ पर होने वाला है दोस्तों। आप सभी को स्वागत करते हैं हमारे स्ट्रीम पे। और जो जो बंदे यहाँ पर लाइव देख रहे हैं दोस्तों एक एक लाइक कीजिए। बीरो भाई, हेलो बीरो भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। अमित कुमार, वेलकम टू द स्ट्रीम। और यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी चल रहा था दोस्तों। इसी के साथ यहाँ पर प्लेन पर जाता हुआ देख सकते हैं, यहाँ पर मिलिट्री बेस से यहाँ पर शूटिंग रेंज की तरफ जो प्लेन पर जाता हुआ। और सारे के सारे बंदे यहाँ पर खेल रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर। थोड़ा नज़र डालते हैं सुरेश वाइटी की टीम की तरफ। और यहाँ पर डेविल ब्रो की टीम, जो कि 3 ही बंदे शायद आज खेल रहे हैं। और यहाँ पर लिबी गेमर भी देख सकते हैं, 3 बंदे ये लोग भी खेल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन नाभी की टीम प्रॉपर स्क्वाड के साथ यहाँ पर आया हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर जो बैड मॉन्की की टीम, 4 के 4 बंदे यहाँ पर जुड़ चुके हैं। और थोड़ा चलते हैं गॉडल बीरो की टीम की तरफ। गॉडल बीरो की टीम भी यहाँ पर प्रॉपर स्क्वाड के साथ आया हुआ है। और यहाँ पर मैक्सटोन की टीम भी प्रॉपर स्क्वाड के साथ आया हुआ है। और यहाँ पर उतर चुके हैं दोस्तों वो लोग भी। और थोड़ा चलते हैं GXTL आदि की टीम, यहाँ पर गॉडल स्पाइडर की टीम भी यहाँ पर उतर रहे हैं और थोड़ा लूट करने की जरूर कोशिश करेंगे यहाँ पर, देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर उड़ीसा उड़ीसा टोगा की टीम भी यहाँ पर जुड़ चुका है। और यहाँ पर हार्दिक रंजन की 3 ही बंदे यहाँ पर हैं। और यहाँ पर लूट कंप्लीट करने की जरूर कोशिश करेंगे, प्राइमरी लूट करने की कोशिश करेंगे। वेलेस की टीम की तरफ चलते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं दोस्तों वेलेस टीम भी यहाँ पर लैंडिंग करते हुए। और ये निरंजन की टीम यहाँ पर 3 बंदे खेल रहे हैं वो लोग भी यहाँ पर करते हुए। 17 गोजो की टीम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 2 ही बंदे आए हुए हैं। और यहाँ पर मिस्टर चेतन की टीम 3 ही बंदे यहाँ पर खेल रहे हैं दोस्तों। एक बंदा कहाँ चला गया भाई, 30 पिस्टन 30 मस्त, जो कि सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने वाला बंदा, देख सकते हैं अकेले बंदे यहाँ पर उतर चुके हैं।
और यहाँ पर वन शॉट ओडिशा के बीच में, और यहाँ पर मुझे लगता है फाइट हो चुका है यहाँ पर ज्योति बॉस, जो कि वन शॉट मैक्स ओपी को यहाँ पर नॉकआउट फिनिश देते हुए अर्ली यहाँ पर एक किल निकालते हुए यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये क्या भाई, आसपास और एक स्क्वाड है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं वन शॉट और 17 गोज अपने आप ही नेड करके यहाँ पर नॉकआउट हो चुके हैं दोस्तों। 17 गोज क्या कर रहे थे भाई, और यहाँ पर 17 गोज फिनिश भी हो चुके हैं दोस्तों, फिनिश भी हो चुके हैं यहाँ पर। क्या चल रहा है भाई यहाँ पर, लिपी गेमर की टीम जो कि यहाँ पर 17 गोजों की टीम को यहाँ पर फिनिश देते हुए, यार कैप्टन रॉबी जो कि डेविल विकास को यहाँ पर नॉकआउट एंड फिनिश देते हुए, और क्या ही फाइट हो गया है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मिस्टर प्रोफेसर जो कैप्टन रॉबी को यहाँ पर नॉकआउट देते हुए, और फिनिश भी किया जाएगा, लेकिन डेविल ब्रो की टीम और यहाँ पर लिपी गेमर की टीम के बीच यहाँ पर फाइट हो चुका है, और एक एक बंदे अपने आपस में खोएंगे, खो चुके हैं यहाँ पर ऑलरेडी, और धीरे धीरे पूछ जाने की कोशिश करेंगे। और डैड ऑफ डब्ल्यू को यहाँ पर स्पॉट किया जाएगा प्रोफेसर के द्वारा, और यहाँ पर स्मोक में से यहाँ पर नॉकआउट देते हुए, और यहाँ पर हॉट डॉर लिपी गेमर अकेले बंदे 1v2 का सिचुएशन, और बहुत सारा डैमेज खाते हुए यहाँ पर लिपी गेमर, और प्री फायर देते हुए यहाँ पर मिस्टर प्रोफेसर, और यहाँ पर स्पॉट किया जाएगा। इसी के साथ फिनिश करेंगे दोस्तों प्रोफेसर, जो कि यहाँ पर 1v3 कर चुके हैं, तीन बंदे को लिबी गेमर के तीन बंदे खेल रहे थे यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे, लेकिन कैप्टन अभी जाते जाते डेविल विकास को यहाँ पर लेते हुए, और दो ही बंदे खेलेंगे, और अपने टीम को कौन सी पोजीशन में लेके जाते हैं ये देखने वाली बात रहेगा दोस्तों। यहाँ पर नाभिक की टीम की तरफ यहाँ पर थोड़ा नज़र डालते हैं, और यहाँ पर नाभिक की टीम यहाँ पर प्रॉपर लूट के साथ यहाँ पर जाने की जरूर कोशिश करेंगे, प्राइमरी लूट कंप्लीट करेंगे, और धीरे धीरे जोन जाने की जरूर कोशिश किया जाएगा इनके द्वारा। और ये बॉर्बन को देख सकते हैं दोस्तों, जो स्टार ऑफ द मैच कलकत्ते, जो अकेले बंदे सब पे भारी ऐसे सिचुएशन में खेल रहे थे, जितनी तारीफ करें उतनी कम इन टीमों को भी। और थोड़ा नज़र डालते हैं बैड मॉन्की की टीम की तरफ, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों प्रॉपर स्क्वाड यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर मुझे लगता है सारे के सारे लड़की हैं शायद, खुशी मिष्टी सोनई, और यहाँ पर स्टेप डैड जो कि लोकेश ओपी को यहाँ पर नॉकआउट देते हुए दोस्तों, उनके बीच भी यहाँ पर फाउट, यार निरंजन की टीम के बीच फाइट हो चुका है दोस्तों। यार मुझे लगता है निरंजन की टीम भी यहाँ पर लोकेश ओपी को यहाँ पर नॉक दिया जाएगा, और अकेले बंदे जो बेरी यहाँ पर जिंदा है, और लोकेश देख सकते हैं और ये निरंजन की टीम के दो बंदे यहाँ पर ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं। और हम स्टेप डर जो कि हम देख सकते हैं दोस्तों, उड़ीसा टोका की टीम बहुत ही अच्छी तरह खेलते हुए, एक किल्स ऑलरेडी ये लोग भी, दो किल निकल चुके हैं ये लोग भी, और धीरे धीरे जो उनको एंट्री करने की शायद कोशिश करेंगे, या फिर लूटने के लिए कहीं पर जा रहे हैं मुझे लग रहा है। थोड़ा चलते हैं और रंजन की टीम की तरफ, यहाँ पर अध्यक्ष रंजन की टीम जो तीन बंदे खेल रहे हैं, और आराम से लूट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सो गए हैं रंजन, और आराम से लूट कंप्लीट करेंगे, ऑलरेडी जोन पे है। थोड़ा वेलेस की टीम की तरफ यहाँ पर नज़र डालते हैं दोस्तों, और गाड़ी लेके जाते हुए वेलेक्स मैटमैक्स, जो कि अपनी टीम की एक अच्छे फ्रैगर माने जाते हैं। और बंदे जो जो बंदे यहाँ पर लाइव देख रहे हैं दोस्तों, एक एक लाइक कीजिए, और जो जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर मैच चल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं वर्ल्ड जो दिव्य पापन जो ओडिशा टीम के बीच यहाँ पर फाइट हो चुका है दोस्तों, और अकेले बंदे यहाँ पर आई एम गॉड बचे हुए हैं वन शॉट ओडिशा की टीम की तरफ, लेकिन यहाँ पर 19 नंबर की टीम देख सकते हैं उनके बीच यहाँ पर फाइट हो चुका है। यहाँ पर वर्ल्ड जो स्पॉट करेंगे आई एम गॉड को, और यहाँ पर ज़बरदस्त फाइट, लेकिन IWLD जो कि यहाँ पर फिनिश देते हुए, और इसी के साथ वन शॉट ओडिशा की टीम को यहाँ पर एलिमिनेट किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं मिस्टर चेतन की टीम के द्वारा, और ये क्या ही खतरनाक खेल है चेतन की टीम, तीन फ्रैगर्स ऑलरेडी तीन किल्स निकाल चुके हैं ये लोग, टीम किल्स और अकेले बंदे जो कि यहाँ पर नौका, और यहाँ पर देख सकते हैं JXDL आदि के, और यहाँ पर किलर विक्रम की टीम के बीच यहाँ पर फाइट होता हुआ, लेकिन यहाँ कॉस्ट मास्टर टीम आर्टगियर को यहाँ पर नॉकआउट देते हुए, और यहाँ पर फाइट हो चुका है दोस्तों। और मुझे लगता है शायद हाँ रिवाइव हो जाएंगे, क्योंकि बहुत दूर हैं ये, और बेरी जो कि जतिन के बीच यहाँ पर फाइट हो चुका है उनके बीच भी, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों उन दोनों फाइट हो चुका है,
और यहाँ पर सरकार जो कि यहाँ पर बेरी को फिनिश करेंगे और बहुत ही रस मूड के साथ खेल रहे हैं उड़ीसा टोगा की टीम। और थोड़ा चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं सुरेश वाइटी की टीम के बीच यहाँ पर फाइट होता हुआ, यहाँ पर 8 गेट जो कि रिवाइव हो चुके हैं और यहाँ पर गोल्डन स्पाइडर की भी एक बंदा यहाँ पर नॉकआउट पड़े थे, वो भी यहाँ पर रिवाइव ऑलरेडी हो चुके हैं। और यहाँ पर 4v4 का सिचुएशन चल रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों किलर विक्रम जो कि बहुत गलत जगह पे यहाँ पर रुके हुए हैं, ऊपर जाएंगे तो एक नेट से भी जा सकते हैं, लेकिन देखते हैं चारों तरफ यहाँ पर सुरेश वाइटी की टीम यहाँ पर खड़ी हुई है आगे। और गोल्डन स्पाइडर जो कि यहाँ पर वो बहुत शानदार नेट था लेकिन एक भी डैमेज भी नहीं हुआ। और यहाँ पर देख सकते हैं गोल्डन स्पाइडर जो कि दिमाग लगाते हुए और स्प्लिट खेलने की कोशिश करेंगे और थोड़ा नीचे से आने की जरूर कोशिश करेंगे, ये रोटेट कर रहे हैं मुझे लगता है। और यहाँ पर नेट के ऊपर नेट करने की कोशिश कर रहे हैं विक्रम जो कि अकेले बंद, ओह बहुत शानदार नेट इसके साथ क्लच मास्टर जो कि किलर विक्रम को यहाँ पर नॉकआउट देते हुए, और इसी के साथ किलर विक्रम को यहाँ पर फिनिश दिया जाएगा। पीछे से आकर यहाँ पर गोल्ड स्पाइडर दिमाग लगा दिया पूरा और आडगेर को भी यहाँ पर मॉली स्मोक मॉली एंड नेट यहाँ पर करते हुए, और बहुत ही शानदार नेट क्लच मास्टर के द्वारा आडगेर को भी यहाँ पर नॉकआउट दिया जाएगा और फिनिश भी जरूर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर GXDL आदि की टीम। और इसी के साथ होटल स्पायर जो कि यहाँ पर टीम डी गेटगियर को यहाँ पर नॉकआउट देते हुए, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 12 नंबर की टीम मिस्टर चेतन की टीम यहाँ पर फुल रस मोड के साथ खेलते हुए, 3 ऑलरेडी फ्लैग्स ये लोग भी निकाल चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पर थोड़ा होल्ड करने की जरूर कोशिश करेंगे ये लोग, रंजन की टीम की तरफ नज़र डालते हैं थोड़ा। और 19 नंबर की टीम देख सकते हैं, और इनके बीच यहाँ पर फाइट, ओह माय गॉड यहाँ पर बंदे हैं दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर डार्क वेनम जो कि वो मिस्टर चेतन की टीम है और यहाँ पर बेड मंकी की टीम आमने सामने हो चुके हैं, इनके बीच भी यहाँ पर फाइट हो सकता है। गैलेक्सी गर्ल FF और यहाँ पर कमेंट में बोल रहे हैं गैलेक्सी गर्ल FF सेम ओ भाई टीम स्टोर 12-1 शॉट ओडिशा, अच्छा 1 शॉट ओडिशा 12 नंबर, हाँ भाई हाँ पता है पता है 12 नंबर स्लॉट जो कि टीम ओडिशा 1 शॉट ओडिशा है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इनके बीच यहाँ पर फाइट होता हुआ गाड़ी लेके, यहाँ पर देख सकते हैं बेडमो की टीम यहाँ पर पुश करने की जरूर कोशिश करेंगे, स्मोक के अंदर से घुस गए हैं यहाँ पर ट्रैप खुशी जो कि, ओह माय गॉड धीरे धीरे यहाँ पे पुश होता हुआ ट्रैप ले लीजिए जो नेट करने की जरूर कोशिश करेंगे, बहुत शानदार यहाँ पर मॉली करने की कोशिश करेंगे, क्या मॉली जाएगा अंदर जी दोस्तों, यहाँ पर चला गया लेकिन यहाँ पर डैमेज होते कि नहीं पता नहीं, नहीं 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 थोड़ा थोड़ा बच गया, अगर इधर होता तो यहाँ पर ट्रैप ले ली, यहाँ पर ऑलरेडी पुश करते हुए देख सकते हैं दोस्तों प्रॉपर स्क्वाड यहाँ पर पुश करता हुआ है और बहुत शानदार यहाँ पर मैं बोलूँगा मॉली, लेकिन यहाँ पर और एक मॉली अगर इधर आएगा तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है इनको, चारों तरफ से घिर चुके हैं यहाँ पर देख सकते हैं 19 नंबर की टीम और बहुत सारा मॉली आ रहा है लेकिन इधर कोई नहीं कर रहा है, इधर कोई मॉली करेगा तो ये लोग दिक्कत में आ सकते हैं। और एक कहाँ से आ गया भाई, 4 के 4 बंदे ऑलरेडी आ चुके हैं लेकिन यहाँ पर वेल्डी फंस चुके हैं, इधर क्या करने आए भाई गाड़ी लेके, और ट्रैप्स ट्रैप्स होना है इनको स्पॉट करेंगे दोस्तों, वेल्डी भी यहाँ पर मारने की कोशिश करेंगे लेकिन बहुत ही कम HP बचा है यहाँ पर वेल्डी, और बहुत शानदार यहाँ पर ट्राफ सोना ही जो यहाँ पर वेल्डी को यहाँ पर नॉकआउट देते हुए वैकेंड से, और तो ये बंदे ऊपर है भाई फंस गए ये लोग, 4 के 4 बंदे यहाँ पर नॉक करने की कोशिश करेंगे और एक बंदा ऊपर चला गया लेकिन बहुत शानदार पीलक मीरा को यहाँ पर नॉकआउट किया जाएगा, यहाँ पर ट्राफ ले ली देख सकते हैं और इसी के साथ ट्राफ मिस्ट्री यहाँ पर ऑलरेडी फिनिश देते हुए, यहाँ पर 3 फ्रैग्स ये लोग भी निकल चुके हैं यहाँ पर बेड मंकी की टीम और एलिमिनेट करेंगे दोस्तों यहाँ पर डार्क वेनम टीम को देख सकते हैं,
बहुत ही शानदार शुरुआत इनके द्वारा। और थोड़ा सुरेश वाइट की टीम की तरफ यहाँ पर चलते हैं दोस्तों। दो बंदे ऑलरेडी खो चुके हैं, GXDL आदि की टीम यहाँ पर फिनिश देते हुए। ओ भाई साहब, तीन तीन स्क्वाड एक जगह पर आ गए हैं दोस्तों। पीछे से मैक्सटोन की टीम भी यहाँ पर एंट्री देते हुए। बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है यहाँ पर सुरेश वाइटी की टीम की, तो क्योंकि आसपास बंदे आ चुके हैं। और एक स्क्वाड यहाँ पर मैक्सटोन की स्क्वाड यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। हॉटडोर की टीम को थोड़ा नज़र डालते हैं, डेबिल टीम को। 12 नंबर स्लॉट टीम ओडिशा। हाँ भाई, ओ अच्छा, हाँ भाई, हाँ पता है पता है, टीम ओडिशा है भाई। 12 नंबर वन शॉट ओडिशा ना। और यहाँ पर एस्पर गुरु यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई? ओ भाई साहब, देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा मौज मस्ती चल रहा है। ओ भाई साहब, ये भी होता है क्या भाई रूम मैच में? अरे अरे अरे, और दोस्तों क्या ही बताएं भाई, थोड़ा मौज मस्ती यहाँ पर चल रहा है, सभी खेल रहे हैं लोग। लेकिन ये जो टीम रंजन की टीम यहाँ पर एंटरटेनमेंट करने के लिए रोज आते हैं, हर रोज देखो कोई ना कोई डांस कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा पता नहीं। और थोड़ा वेलेक्स की टीम की तरफ यहाँ पर नज़र डालते हैं दोस्तों। वेलेक्स की टीम आज थोड़ा शांत लग रहे हैं, एग्रेसिव नहीं खेल रहे हैं शायद। गाड़ी लेकर जा तो रहे हैं लेकिन बंदे को साथ ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और धीरे धीरे जोन जाने की कोशिश भी किया जाएगा, जोन जाएंगे। और अकेले बंदे सोलो वर्सेस स्क्वाड पर करने वाला बंदा यहाँ पर स्पॉट करेंगे स्क्वाड को। ओ भाई साहब फंस गए भाई, वेलेस टीम को यहाँ पर फाइट देते हुए यहाँ पर फंस गए मुझे लगता है। वेलेस की टीम देख सकते हैं घुमा घुमा के आएंगे, प्रॉपर स्क्वाड के साथ आएंगे और बुरी फंस गए। यहाँ पर था डैमेज लेकिन अकेले बंदे सब पे भारी ये। और यहाँ पर फॉल बैक करने की जरूर कोशिश करेंगे, गाड़ी लेके जाने की कोशिश करेंगे लेकिन मुझे नहीं लगता ये लोग जाने देंगे। और यहाँ पर गाड़ी लेके यहाँ पर 30 FPS 20 MS बहुत ही दिमाग लगा के बहुत ही शानदार सूझबूझ के साथ यहाँ पर निकल चुके हैं दोस्तों। उनको पता है चार चार बंदे आएंगे ऊपर और दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए वो सूझबूझ के साथ यहाँ पर थोड़ा फॉल बैक किया। लेकिन ओ माय गॉड, फंस गए भाई, फिर से देख लिए शायद वेलेक्स टीम यहाँ पर सपोर्ट करेंगे लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर वेलेक्स की टीम यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर पाए शायद। लेकिन ये क्या भाई, पीछे से आएंगे, आ रहे हैं क्या? हाँ भाई, वेलेक्स की टीम यहाँ पर पीछा नहीं छोड़ने वाला है दोस्तों, गाड़ी लेके पूरा पीछे को जा रहे हैं यहाँ पर 30 FPS 20 MS के। लेकिन कहाँ गुम हो गए पता नहीं। 30 FPS 20 MS बहुत ही चतुर चतुर खिलाड़ी है वो, सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा है। और इनको थोड़ा सताते हुए और थोड़ा चलते हैं दोस्तों यहाँ पर वन। और यहाँ पर GXDL आदि की टीम की तरफ चलते हैं। ऑलरेडी 2 फ्रैगर्स निकल चुके हैं, जो क्वेस्ट मास्टर अपने टीम का बेस्ट फ्रैगर यहाँ पर देख सकते हैं। और गाड़ी लेके ये लोग मुझे लगता है जोन जाने की जरूर कोशिश करेंगे, ये तो ऑलरेडी जोन में है भाई। थोड़ा नज़र डालते हैं गोडल बीरा की टीम की तरफ। गोडल बीरा की टीम यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों? यहाँ पर गोडल बीरा की टीम यहाँ पर जोन पे, और ये लोग भी जोन पे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आसपास। ओ भाई साहब, वेलेक्स की टीम यहाँ पर आ चुका है, तो आ चुका था दोस्तों। और ये लोग पुश करने की जरूर कोशिश करेंगे, यहाँ पर दो ही बंदे आए हैं और दो बंदे पीछे हैं। और यहाँ पर फाइट होता हुआ यहाँ पर वेलेक्स साटो को यहाँ पर बहुत ही डैमेज देते हुए। और यहाँ पर बहुत ही खतरनाक फाइट होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर वेलेक्स की टीम और गोडल बीरा की टीम यहाँ पर फाइट में इंक्लूड होता हुआ। मैडमैक्स जो कि यहाँ पर गाड़ी लेके जरूर आने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आसपास। और ट्रैप खुशी की टीम भी यहाँ पर आ चुका है दोस्तों, पीछे से वो लोग आ चुके हैं यहाँ पर। और बहुत ही शानदार नेट था। और यहाँ पर देख सकते हैं बैड मौके की टीम यहाँ पर बहुत सारा डैमेज देते हुए वेलेक्स सौरव को। और इसके साथ फाइट हो चुका है दोस्तों यहाँ पर गोडल। और यहाँ पर पांडा को यहाँ पर फिनिश किया जाएगा। और बहुत शानदार, ओह माय गॉड, गोडल बीरा को भी यहाँ पर फिनिश किया जाएगा। और डार्क भेंकी भी यहाँ पर नॉकआउट पड़े हैं, अकेले बंदे यहाँ पर ओमेगा कान्ना एलाइव है, उनको भी यहाँ पर फिनिश किया जाएगा वेलेक्स की टीम की तरफ से। और यहाँ पर बैड मौके की टीम भी आसपास थर्ड पार्टी करने के लिए चला आया है। और इनके बीच फाइट होने का, कल जो फाइट हुआ था यहाँ पर बैड मौके की टीम यहाँ पर विन हुआ था, लेकिन आज बदला लेंगे शायद। और यहाँ ट्रैप लिली को यहाँ पर नॉक किया जाएगा नेट से, सौरभ जो कि और एक नेट करते हुए, और लेकिन डैमेज नहीं हुआ है। यहाँ पर हॉट डोर जो कि हराटिस रंजन को पैन से यहाँ पर नॉकआउट देते हुए।
बहुत ही तगड़ा फाइट होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सौरभ को यहाँ पर स्पॉट किया जाएगा और सौरभ जो कि नेट करने की कोशिश करें मिस्टी के ऊपर, और यहाँ पर बहुत शानदार नेट था लेकिन यहाँ पर डैमेज भी हुआ है और एस्पर गुरु या मिस्टर प्रोफेसर को यहाँ नॉकआउट देते हैं। लिटाप मिस्टी को यहाँ पर फिर से नॉक किया जाएगा वेलक्स सौरभ के द्वारा, और भाई साहब क्या ही मैच हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैप मिस्टी को भी यहाँ पर नॉक किया जाएगा और ट्रैप खुशी जो अकेले बंदे उनको भी यहाँ पर नॉक किया जाएगा। अकेले बंदे ट्रैप सोना यहाँ पर एलाइव है दोस्तों, उनको भी स्पॉट किया जाएगा। 1 HP हो चुके हैं शायद वो भी, और 4 के 4 बंदे मुझे लगता है जाके पुश कर देंगे शायद अकेले बंदे, और डैमेज देने की कोशिश जरूर कर दिया जाएगा। और वाले सौरव को यहाँ पर ट्रैप सोना के द्वारा यहाँ पर नॉक किया जाएगा, लेकिन 3-3 बंदे उधर हैं बैकअप देते हुए, कवर देते हुए, और यहाँ पर अकेले फंस चुके हैं यहाँ पर सनाई। लेकिन आखिर तक दम, आखिर तक लड़ने की जरूर कोशिश करेंगे ये सनाई। देख सकते हैं 3 टार्गेट्स ऑलरेडी निकल चुके थे लेकिन 3 बंदे ऑलरेडी खो चुके हैं, ये बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर सौरभ भी यहाँ पर रिवाइव हो गए हैं, मुझे लगता है गाड़ी लेके पूछ आएगा शायद इनके ऊपर अकेले बंदे, उनको भी पता है एक ही बंदा यहाँ पर है तो वो लेट नहीं करेंगे। वॉलेक्स टीम गाड़ी लेके सीधा पुश करने की जरूर कोशिश करेंगे, गाड़ी भी लेके आ चुके हैं ऑलरेडी, और यहाँ पर स्पॉट भी किया जाएगा सनाई के द्वारा। देखते हैं दोस्तों, और गलत फंस के निकल के निकलवाई थी, उसको पुश किया जाएगा, बदला लिया जा रहा है एक एक करके, और एक गाड़ी आ चुका है दोस्तों 2 टीम के साथ, क्या डैमेज दे पाएंगे। और यहाँ पर बुरी तरह से भाई साहब कूद के यहाँ पर नॉकआउट हो चुके हैं। भाई साहब क्या ही हो गया भाई, थोड़ा सनाई आप थोड़ा रुक जाते तो आराम से किल ले जाते, लेकिन यहाँ पर दिक्कत हो गया दोस्तों। देख सकते हैं 2-2 यहाँ पर बंदे यहाँ पर नॉक पड़े हैं, अगर कोई टीम यहाँ आता है तो यहाँ पर इजी किल्स ले सकता है। और यहाँ मैक्सटोन को यहाँ पर नॉकआउट देते हुए, और यहाँ पर मैक्सटोन की टीम के बीच यहाँ पर फाइट हो चुका है दोस्तों। देख सकते हैं जॉर्डन और प्रेसिडेंट मैक्सटोन साहब को यहाँ पर नॉकआउट देते हुए, ओ माई गॉड, यहाँ पर सुरेश वाइटी और यहाँ पर मैक्सटोन की टीम के बीच यहाँ पर फाइट होता हुआ, सुरेश वाइटी भी यहाँ पर नॉक पड़े हैं और रिवाइव हो जाएंगे मुझे लगता है, लेकिन यहाँ पर पुश धीरे धीरे आता हुआ, और यहाँ पर रिवाइव हो चुके हैं दोस्तों, थोड़ा हील करेंगे। और प्रेसिडेंट जो कि बहुत ही तगड़ा खेलते हुए, और यहाँ पर अकेले बंदे जो कि नॉक पड़े हैं, देखते हैं क्या ही होता है मैच में। मैक्सटोन साहू उधर नॉक पड़े हैं, और यहाँ पर मनोज ब्रो जो कि मैक्सटोन साहू को यहाँ पर रिवाइव देने के लिए जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत शानदार यहाँ पर मौली गया है, लगा क्या नहीं लगा है। और यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सटोन साहू जो ऊपर ही है कॉपर में, और यहाँ पर 2v4 का स्विच, 2v3 का सिचुएशन, लेकिन यहाँ पर आराम से मुझे लगता है मैक्सटोन साहू यहाँ पर रिवाइव हो जाएंगे। उस वक्त पुश कर देना चाहिए था इनको लेकिन नहीं किए, लेकिन देखते हैं दोस्तों। सुरेश वाइट जो कि यहाँ सपोर्ट करेंगे यहाँ पर मैक्सटोन सेक्सी को, देखते हैं क्या पुश जाता कि नहीं। 2v4 का सिचुएशन हो गया है यहाँ पर, नेट करने की जरूर कोशिश करेंगे सुरेश वाइटी, और मिस्टर प्रेसिडेंट को यहाँ पर नॉक किया जाएगा दोस्तों। और अकेले बंदे 1v4 का सिचुएशन हो गया है, मुझे लगता है धीरे धीरे पुश आएगा पूरा सुरेश वाइट के ऊपर, और आ जाना भी चाहिए था लेकिन इतना लेट क्यों कर रहे हैं मैक्सटोन टीम। और यहाँ पर आ चुका है दोस्तों एक बंदा यहाँ पर डैमेज देते हुए, और क्या ही शानदार मैक्सटोन साहू का नेट था, 2 ही बंदे जो एक बचे थे सुरेश वाइटी के वो खत्म होते हुए, इसी के साथ 2 फ्रैक्स ये लोग भी निकल चुके हैं। यहाँ पर बॉर्बन देख सकते हैं फाइट में इंक्लूड होते हुए, और यहाँ पर नाभी की टीम भी यहाँ पर फाइट में इंक्लूड होता हुआ, और यहाँ पर 30 FPS 20 MS को यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा शायद बॉर्बन जो एक बंदे को यहाँ पर नॉकआउट दिए थे। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 12 नंबर जो 1 शॉट की टीम को बंदे को यहाँ पर नॉकआउट दिया जा चुका है, और बॉर्बन मुझे लगता है धीरे धीरे पुश करने की जरूर कोशिश करेंगे। यहाँ पर 12 नंबर टीम के एक बंदा यहाँ पर नॉक पड़े थे लेकिन यहाँ पर रिवाइव हो चुके हैं, और वेलक्स की टीम भी वहाँ पर जाता हुआ, ओ माई गॉड, उनके बीच फाइट हो सकता है दोस्तों नाभी की टीम के बीच, और वेलक्स टीम आस पास यहाँ पर आ चुके हैं और आ गए हैं दोस्तों यहाँ पर वेलक्स की टीम, और ये राइवली देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर सपोर्ट करेंगे मैडमैक्स जो कि सपोर्ट कर चुके हैं, गाड़ी लेके जाने की जरूर कोशिश करें, पीछे से यहाँ पर पड़ता हुआ मुझे लगता है सैंडविच हो चुके हैं यहाँ पर मैडमैक्स की टीम सैंडविच होते हुए, और यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले हैं दोस्तों, चारों तरफ से यहाँ पर गोली पड़ता हुआ, ओ भाई साहब मुझे लगता है वेलक्स
और इसी के साथ मैडम को यहाँ पर नॉक किया जाएगा और नाभी भी यहाँ पर नॉक होते हैं दोस्तों। मेले सारों को अगर एक गोली लगेगा तो वो भी यहाँ पर नॉकआउट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हील होते हुए यहाँ पर मेले सारों और यहाँ पर वेल्ले सारो और इसी के साथ मैडमैक्स को यहाँ पर फिनिश किया जाएगा और इनको साटो को भी स्पॉट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर साटो बहुत शानदार बोरबोन को यहाँ पर नॉकआउट देते हुए और पीछे से कॉपर भी आएगा जरूर वेल्ले सारो, तीन के तीन बंदे यहाँ पर वेल्ले सारो को दो बंदे यहाँ पर मिलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं वेल्ले सारो क्या कमाल करके निकलते हैं, वन बी टू का सिचुएशन यहाँ पर बहुत डैमेज देते हुए और वेल्ले सारो को भी यहाँ पर नॉक किया जाएगा जोकर के द्वारा। मुझे लगता है बोरबोन यहाँ पर रिवाइव हो जाएंगे और इसी के साथ वेल्ले सारो फिनिश होंगे नेट से। और वेलेक्स की और एक प्लेयर कहाँ गया भाई, तीन बंदे थे ना वेलेक्स की। ओ सौरव भाई क्या कर रहे हो भाई, ओ भाई साहब सौरव भाई बहुत दूर है भाई, अकेले खेल रहे हैं, अरे उनके पास जाना चाहिए था। और इसी के साथ 30 FPS 20 FPS वेलेक्स सौरव को यहाँ पर फिनिश देते हुए, अकेले बंदे वेलेक्स की टीम के बंदे थे वो उनको फिनिश देते हुए यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। वेलेक्स की टीम बहुत ही अच्छी तरह से खेल रही थी लेकिन यहाँ पर प्लेसमेंट पॉइंट में यहाँ पर चूक गए हैं दोस्तों। यहाँ पर 6-9 किल तो ऑलरेडी कर चुके थे लेकिन प्लेसमेंट पॉइंट में थोड़ा दिक्कत हो गया उनको। यहाँ पर धीरे धीरे पुश आता हुआ यहाँ पर डेविल ब्रो की टीम ऊपर है और उन साउंड ऑलरेडी सुन चुके हैं वो लोग भी और धीरे धीरे पुश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये क्या, डेविल ब्रो की टीम शायद जोन में जा रहे हैं। 30 FPS 20 FPS जितनी तारीफ करें उतनी कम, जो पहले इनको दौड़ा रहे थे यहाँ पर 12 नंबर की टीम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर उनके बीच फायर होता हुआ स्टो वाट को यहाँ पर नॉकआउट देते हुए, ओ भाई साहब यहाँ पर उनके बीच भी फाइट हो चुका है यहाँ पर वन शॉट की टीम। और यहाँ पर ओ बुरी जगह आ चुका है यहाँ पर 30 FPS 20 FPS इधर है शायद, मेरे भाग गए क्या बोर बने अकेले बंदे यहाँ पर देख सकते हैं। टीम नाभी के बंदे यहाँ पर जिंदा है और 12 नंबर की टीम क्या ही भाई, आते ही यहाँ पर नाभी की टीम को यहाँ पर ब्लास्ट कर दिए थे दोस्तों। ऑलरेडी 5 फिनिशेस ये लोग भी निकाल चुके हैं देख सकते हैं। और बोरबोन जो अकेले बंदे यहाँ पर अलाइव है दोस्तों, अपनी टीम को कौन सी पोजीशन में लेके जाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी दोस्तों। और यहाँ पर अकेले बंदे यहाँ पर आ चुके हैं और एफएलएक्स ऑर्बिट क्या कर रहे हैं भाई उधर। और यहाँ पर अकेले बंदे ये भी यहाँ पर जिंदा है दोस्तों, बोट एक्स ऑर्बिट आरडीएक्स रंजन और एस्पर गुरु यहाँ पर निपट चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं। और थोड़ा मैस्टोन टीम की तरफ भी हम नज़र डालते हैं और बहुत, अरे गाड़ी कौन फोड़ दिया भाई आपका, मैक्सटन की टीम क्या कर रहे हैं भाई, अलग अलग खेल रहे हैं सब। अरे मैक्सटन मनोज ब्रो क्या कर रहा है भाई, अरे भाई इनको तो कोई गाड़ी लेके आओ भाई। और मुझे लगता है ये लोग जोन में ही ऐसे ही चले जाएंगे शायद, ओ जोन बहुत छोटा हो गया है दोस्तों और मुझे नहीं लगता है ये लोग जोन जा पाएंगे क्योंकि गाड़ी तो आ गया है लेकिन हील पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। यहाँ पर 30 FPS 20 FPS यहाँ पर एक बंदे को हॉटडोर को यहाँ पर नॉकआउट देते हुए देख सकते हैं दोस्तों। 30 FPS 20 FPS जो कि शानदार खेलते हुए बहुत ही शानदार तगड़ा स्प्रे देते हुए यहाँ पर हॉटडोर को यहाँ पर नॉक किया जाएगा और यहाँ पर 12 नंबर वन शॉट की टीम को भी वहाँ पर डैमेज देते हुए। लेकिन मुझे नहीं लगता है हॉटडोर जो कि रिवाइव हो पाएंगे यहाँ पर डेविल ब्रो के। और यहाँ पर प्रोफेसर रेंगते हुए यहाँ पर क्या करेंगे देखते हैं, चारों तरफ बंदे ही बंदे, धीरे धीरे जोन आने की कोशिश जरूर करेंगे सारे के सारे बंदे। और मैक्सटोन की टीम धीरे धीरे जोन जोन में एंट्री कर चुके हैं शायद, लेकिन यहाँ पर मनोज ब्रो जो डर था वो ही हुआ, मनोज ब्रो को कोई गाड़ी में नहीं लिया, शायद गुस्सा हो गए हैं उनके ऊपर इसीलिए गाड़ी में। और 30 FPS 20 FPS यहाँ पर आकाश जो कि यहाँ पर फिनिश देते हुए 12 नंबर की टीम वन शॉट की टीम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। और यार 12 नंबर टीम और यहाँ पर आउटडोर की टीम को यहाँ पर शायद स्पॉट कर चुके हैं ये लोग, हाँ दोस्तों यहाँ पर स्पॉट ऑलरेडी कर चुके हैं देख सकते हैं। बुरा फंस गए भाई, जोन के बाहर फंस गए हैं यहाँ पर डेविल ब्रो की टीम, लेकिन नहीं नहीं पता नहीं शायद ये बंदे हैं और थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आउटडोर की टीम को क्योंकि 4 के 4 बंदे ऊपर यहाँ पर हैं और 2 बंदे कहाँ से जाएंगे भाई, जाएंगे कहाँ से, जहाँ से जाने का जो रास्ता होता है उधर ही 4-4 बंदे यहाँ पर पैरादारी कर रहे हैं तो कैसे जाएंगे ये देखने वाली बात रहेगा दोस्तों। और थोड़ा वेलेक्स टीम की तरफ यहाँ पर नजर डालते हैं दोस्तों, वेलेक्स टीम तो पूरा फिनिश हो चुका है लेकिन बोरबोन जो अकेले बंदे यहाँ पर अलाइव है दोस्तों वो अभी भी जिंदा है
जब तक है जान, जब तक है जान, अकेले बंदे कोई किसी से कम नहीं है वाला भी। और यहाँ पर GXTL आदि की टीम भी यहाँ पर आता हुआ और यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, और वहाँ पर फाइट होता हुआ मैक्सटोन टीम को यहाँ पर फैनम जो कि यहाँ पर नॉकआउट देते हुए देख सकते हैं। मैक्सटोन साहू भी यहाँ पर बहुत डैमेज खा चुके हैं और दो गोली लगेगा तो ये भी यहाँ पर, और इसी के साथ देख सकते हैं दोस्तों प्रोफेसर को यहाँ पर नॉकआउट देते हुए इनको बीच फाइट होता हुआ फोटोर की टीम, और इसी के साथ डेविल ब्रो की टीम को भी यहाँ पर एलिमिनेट किया जाएगा 12 नंबर की टीम के द्वारा। वन शॉट ओडिशा की टीम बहुत ही तगड़ा खेल रहा है यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पर बोट बोट टीम स्पॉट किया जाएगा। अरे भाई ये कैसे स्पॉट किया भाई, CSYT वेनम इतना दूर कैसे स्पॉट कर दिया भाई, देखना पड़ेगा दोस्तों इनके खेल को, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। लेकिन गाड़ी फटेगा तो ये लोग भी जाएंगे, और यहाँ पर आसपास और एक स्क्वाड है दोस्तों, और बहुत शानदार नेट यहाँ पर देख सकते हैं GXTL आदि की टीम के बीच, और यहाँ पर वन शॉट की टीम के बीच यहाँ पर फाइट होता हुआ। और यहाँ पर हील करने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर स्टैप डन GXTL आदि की टीम, और यहाँ पर वन शॉट ओडिशा की टीम के बीच यहाँ पर फाइट होता हुआ देख सकते हैं। नेट के ऊपर मौली के ऊपर मौली, नेट के ऊपर नेट किया जा रहा है, और चार ही टीम यहाँ पर अलाइव है दोस्तों। और यहाँ पर आकाश जो कि यहाँ पर मैक्सटन सेक्सी को यहाँ पर नॉकआउट देते हुए, यहाँ पर ऊपर एक स्क्वाड है यहाँ पर रेड करने की कोशिश करेंगे, और मौली आ चुका है यहाँ पर, आकाश यहाँ पर मौली से जलेंगे, और गोल्डन स्पाइडर को आकाश यहाँ पर नेड करते हुए जाते जाते नेड कर चुके हैं, और इसके साथ जब जाते तो यहाँ पर नॉक किया जाएगा अकेले बंदे यहाँ पर GXTL आती है, और बोरबोन भी आसपास आ चुके हैं दोस्तों, और इसी के साथ बोरबोन को यहाँ पर जाते इनके द्वारा यहाँ पर नॉक किया जाएगा। बस मास्टर अकेले बंदे यहाँ पर अलग है, जाकर बहनों को यहाँ पर नॉकआउट देते हुए, और इसी के साथ दोस्तों फर्स्ट मास्टर को भी यहाँ पर वन एच पी करते हुए वन शॉट की टीम, और नेट के ऊपर नेट किया जा रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, और अपने नेट से अपने टीम को यहाँ पर नॉकआउट देते हुए, क्या ही भाई जातिन भाई स्टेप डाउन को यहाँ पर नॉकआउट देते हुए, और बस मास्टर को सपोर्ट कर चुके हैं और मारने की जरूर कोशिश करेंगे जातिन, लेकिन ऑप्शन नहीं आना चाहिए था, ऑप्शन आ चुके यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं दोस्तों। और दो ही टीम यहाँ पर अलाइव है, और धीरे धीरे पुश करने को जरूर कोशिश करें मैक्सटोन की टीम, यहाँ पर वन शॉट के चार बंदे यहाँ पर एक बंदे खो चुके हैं, 2v3 का सिचुएशन है, और मैक्सटोन की टीम यहाँ पर जोन पर है, इनको दिक्कत हो सकती है दोस्तों, वन शॉट को टीम को यहाँ पर दिक्कत थोड़ा हो सकता है, जोन जाने की कोशिश करना। ओपन में आ चुके हैं यहाँ पर आकाश, स्पॉट किया जाएगा मैक्सटोन साहू के द्वारा, लेकिन फायर नहीं किया, क्या कर रहे हो भाई, और यहाँ पर मैक्सटोन साहू यहाँ पर नॉकआउट होते हुए, और यहाँ पर बहुत शानदार मैक्सटोन सेक्सी के द्वारा यहाँ पर DPS का शॉट, 1v2 का सिचुएशन चल रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, और जातिन धीरे धीरे यहाँ पर पुश करने, ओ बहुत शानदार नेट जातिन के द्वारा, और इसी के साथ यहाँ पर मैच खत्म होता है दोस्तों, और इसी के साथ देख सकते हैं वन शॉट की टीम जो कि 11-15 किल के साथ यहाँ पर टिकट जनरेट करते हुए बहुत ही शानदार यहाँ पर खेले आज, कमबैक बहुत ही शानदार था यहाँ पर वन शॉट का, और नेक्स्ट की टीम यहाँ पर नंबर 2 पायदान पे आ चुका है दोस्तों, देख सकते हैं 2 किल के साथ, और यहाँ पर
जेक्स डील आदि की टीम यहाँ पर तीन नंबर पर आए हैं तीन किल के साथ, और यहाँ पर वार्नाबी की टीम तीन किल के साथ चार नंबर पर, और यहाँ पर आरडीएक्स रंजन की टीम जो जीरो किल के साथ यहाँ पर पाँच नंबर पर आया हुआ है। डेविल की टीम, डेविल ब्रो की टीम यहाँ पर पाँच किल के साथ यहाँ पर छः नंबर पर, और थर्टी एफ एस थर्टी एम एस एक किल के साथ सात नंबर पर, और वेलेक्स की टीम यहाँ पर छः नौ किल के साथ यहाँ पर आठ नंबर पर आया हुआ है, और नौ नंबर पर यहाँ पर जीरो किल के साथ किलर विक्रम की टीम, और यहाँ पर बैड मॉकी की टीम जो कि चार किल कर चुके थे लेकिन प्लेस पॉइंट में थोड़ा चूक गए और वो दस नंबर पर आए हैं, और चार होटल जीरो की टीम जो कि जीरो किल के साथ यहाँ पर ग्यारह नंबर पर आ चुका है दोस्तों, और यहाँ पर डार्क भैनों की टीम जो कि बारह नंबर पर आया है तीन किल के साथ, और ओडीए रंजन की टीम जीरो किल के साथ तेरह नंबर पर, और वन शॉट आई एम गॉड की टीम एक किल के साथ यहाँ पर देख सकते हैं चौदह नंबर पर, और लिबी गेमर के दो किल के साथ पंद्रह नंबर पर, और सत्रह गोजो की टीम जीरो किल के साथ यहाँ पर सोलह नंबर पर, और इसी के साथ पहला मैच यहाँ पर खत्म होता है दोस्तों। यहाँ पर वह देख सकते हैं स्टार ऑफ द मैच की तरफ चलते हैं, यहाँ पर सी एस वाई टी वेनम जो कि छः किल किए थे इसलिए उनको गोइंग ऑल आउट का खिताब मिल चुका है, और बीटी एफ मैडमैक्स जो कि दो रेस्क्यू किए थे इसलिए उनको यहाँ पर बेस्ट कंपेनियन का यहाँ पर अवार्ड मिला है, जातिन जो कि लास्ट फिनिश किए थे इसलिए उनको यहाँ पर फाइनल एलिमिनेशन का यहाँ पर खिताब मिलता है। इसी के साथ दोस्तों पहला मैच यहाँ पर ख़त्म होता है, और नेक्स्ट मैच में सब 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 9:40 को यहाँ पर आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, उसके बाद 10 बजे फिर से मैच स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। सो सेकेंड मैच यहाँ पर सानोक मैप पे होने वाला है, जो जो बंदे 20 मिनट के अंदर जो जो काम करना है करना चाहता है काम करके आ सकते हैं, खाना खा सकते हैं खाना भी खा सकते हैं, जो भी करना है कीजिए 20 मिनट के अंदर कीजिए, और 10 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा उसी के अंदर आकर ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ दोस्तों पहला मैच ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट मैच में, आईडी पासवर्ड 9:40 को यहाँ पर दिया जाएगा। हेलो वन शॉट ओडिशा, बहुत ही अच्छा केमिति मो टीम खेलला, बहुत ही बढ़िया खेला भाई, बहुत ही शानदार खेला आपका टीम आज, बहुत ही अच्छे से खेले और बहुत अच्छे किल के साथ चिकन डिनर के, बहुत ही हेल्प होगा पॉइंट्स टेबल में आगे जाने के लिए, ऐसे ही अगर कुछ मैच खेलेंगे तो बहुत आगे जाएंगे शायद। सो ऑल द बेस्ट।
सो है गाइस, आईडी पासवर्ड ऑलरेडी दिया जा चुका है दोस्तों। सानो पे मैप पे ये सेकंड वाला मैच होने वाला है, और जल्दी आके जुड़िए, 10 बजे यहाँ पर मैच स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। आईडी पासवर्ड ऑलरेडी ग्रुप में दिया जा चुका है, जाके चेकआउट कीजिए और धीरे धीरे जुड़िए, ठीक है। एग्जैक्टली 10 बजे यहाँ पर मैच स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, 16 मिनट आपको टाइम दिया गया है, जल्दी आके जुड़िए।
और यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पर मैच स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और देख सकते हैं और 1 मिनट वार्निंग टाइम दिया जा रहा है, 1 मिनट के बाद यहाँ पर मैच स्टार्ट हो जाएगा। जो जो बंदे नहीं आए हैं जल्दी आके जुड़िए, नहीं तो यहाँ पर मैच स्टार्ट हो जाएगा। वार्निंग टाइम दिया जा रहा है 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर जल्दी आके जुड़िए सभी के सभी बंदे, नहीं तो मैच यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। वार्निंग टाइम चल रहा है दोस्तों, जो जो बंदे नहीं आए हैं जल्दी आके जुड़िए। ये वन शॉट मैक्स ऑफ कौन है भाई, बार बार आ जाता है टीम में। 1 मिनट के बाद यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर ऑलरेडी सारे बंदे यहाँ पर जुड़ चुके हैं। सो लेट्स गो गाइज, मैच स्टार्ट करते हैं। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation. Take frequent breaks and play responsibly. जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर सारे के सारे यहाँ बंदे आ चुके हैं। Only one shot win. और यहाँ पर one shot ओरिसा जो कि कमेंट करते हैं only one wins one shot. हाँ भाई एक ही मैच जीते आप लोग, लेकिन क्या ही जीते, 17-18 किल करके ये चिकन ने के बहुत ही अच्छा अच्छा पॉइंट टेबल में अच्छा स्कोर मिलेगा आपको। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सारे के सारे बंदे यहाँ पर जुड़ चुके हैं, और 45 बंदे यहाँ पर खेल रहे हैं दोस्तों आज का ये सैनो मैप का मैच। और थोड़ा टीम के ऊपर नज़र डालते हैं, मैक्सटन यहाँ पर देख सकते हैं किलर विक्रम की प्रॉपर स्क्वाड के साथ है, डेविल ब्रो के भी प्रॉपर स्क्वाड, नाबी की भी प्रॉपर स्क्वाड, यहाँ पर बैड मोके की भी प्रॉपर स्क्वाड आया हुआ है, और बॉटल बीरो की भी यहाँ पर प्रॉपर स्क्वाड आया हुआ है। और यहाँ पर प्लेन पाथ देख सकते हैं दोस्तों सामी की तरफ से यहाँ पर हातिन की तरफ यहाँ पर जाता हुआ। और यहाँ पर जो जो बंदे खेल रहे हैं सारे के सारे टीम यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर स्क्वाड के साथ आया हुआ है, और अकेले बंदे दो दो ही बंदे यहाँ पर 17 को जो सोलो खेल रहे हैं, और यहाँ पर 30 FPS 20 FPS में से वो भी यहाँ पर सोलो खेल रहे हैं। उसके बाद सारे के सारे बंदे यहाँ पर देख सकते हैं सभी के सभी, धीरे धीरे सारे के सारे बंदे यहाँ पर उतर रहे हैं दोस्तों, और धीरे धीरे जाके सब लूट कंप्लीट करने की जरूर कोशिश किया जाएगा। यहाँ पर डेविल ब्रो की देख सकते हैं आज पहले मैच में 3 बंदे आए थे, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर स्क्वाड के साथ ये लोग भी आ चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर नाभी की टीम भी प्रॉपर स्क्वाड के साथ आ चुका है दोस्तों। ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही शानदार आउटफिट के साथ यहाँ पर 1 पीस नाभी, और यहाँ पर डेविल मो जो कि बैड मोके की टीम आसपास ये उनके ये भी प्रॉपर स्क्वाड के साथ यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर गॉडल हीरो की टीम ये भी प्रॉपर स्क्वाड के साथ आया हुआ है, और लूट करने की जरूर कोशिश करेंगे, ये प्राइमरी लूट करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ने की जरूर कोशिश किया जाएगा। और देखते हैं दोस्तों आज का ये सानोक मैप का मैच कौन यहाँ पर बाजी मारता है, और कौन कितना किल निकाल पाता है, और कौन सा टीम कौन से ड्राइवल टीम को यहाँ पर एलिमिनेट करता है, वो देखने वाली बात रहेगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं 12 नंबर के यहाँ पर वन शॉट की टीम, और यहाँ पर वेलेक्स की टीम भी प्रॉपर स्क्वाड के साथ आया हुआ है, और लूट कंप्लीट करने के ये लोग भी ज़रूर कोशिश करेंगे धीरे धीरे लूट कंप्लीट करते हुए। और यहाँ पर ओडे निरंजन की टीम देख सकते हैं 3 बंदे यहाँ पर हैं, और आसपास और एक स्क्वाड है शायद, और एसटीएफ लेजेंड जो इनके अच्छे फ्रैगर माने जाते हैं इनके टीम के, वो भी यहाँ पर आके जुट चुके हैं। और GXTL आदि की टीम की तरफ यहाँ पर थोड़ा नज़र डालते हैं दोस्तों, वो भी अपने लूट कंप्लीट करने की जरूर कोशिश करेंगे। मोर टीम रे हैकर अच्छी, आपकी टीम में कौन हैकर है भाई, आपका टीम कौन सा है ऐसे बोलोगे सब हैक ही कर रहे होंगे ऐसे समझेंगे भाई।
यहाँ पर बैड मोके की टीम देख सकते हैं दोस्तों, ये भी बहुत ही शानदार खेलता है दोस्तों, बहुत ही शानदार खेल रहे हैं ये लोग भी। बैड मोके की टीम बहुत ही देर में आए खेलने के लिए, लेकिन बहुत ही तगड़ी कॉमबैक कर रहे हैं। अगर पहले से खेलते तो बहुत सारा पॉइंट्स ये बंदे भी ले जा सकते थे। प्लेसमेंट पॉइंट में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन किल्स बहुत ही अच्छी खासी निकाल देते हैं ये लोग भी। और थोड़ा चलते हैं नाभिक की टीम की तरफ, यहाँ पर देख सकते हैं छोटा छोटा कंपाउंड जहाँ पर लूट रहे हैं नाभिक की टीम। और यहाँ पर स्ट्रो वाइड, यहाँ पर डीबीएस पकड़ने की जरूर कोशिश करेंगे। डीबीएस भी ले चुके, शायद सोच रहे हैं डीबीएस लूँगा या ना लूँगा, देखते हैं। यहाँ पर नाभिक और बॉलबोन जो कि अच्छे फ्रैगर भी माना जाता है, और डीबीएस लेके बहुत ही तगड़ा डीबीएस चलाते हैं ये। डीबीएस ले चुके हैं दोस्तों, स्नानों पे बहुत सारा डीबीएस मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर डेविल ब्रो की टीम भी देख सकते हैं, आज ही हमारी टीम जीती वो। ठीक है भाई, ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर टीम। और धीरे धीरे प्राइमर लूट करने की जरूर कोशिश किया जाएगा। और यहाँ पर सुरेश वाइटी की टीम भी यहाँ पर लूट में, ओ माय गॉड, यहाँ पर बंदे हैं दोस्तों, बंदे नहीं है क्या, देखते हैं दोस्तों कौन सा टीम यहाँ पर अर्ली क्लासेस में यहाँ पर जुड़ेगा और फाइट होने का संभावना भी हो सकता है, क्योंकि जोन जब धीरे धीरे छोटा होगा बहुत, ओ माय गॉड, जोन के अंदर बहुत सारी टीम है, लेकिन जोन के बाहर कुछ गिने चुने टीम्स ही हैं जो कि दूर जाके लूटने की कोशिश कर रहे हैं। वो ही लोग जोन के बाहर हैं, लेकिन वो लोग भी जोन में आने की ज़रूर कोशिश करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 30 FPS 30 FPS अकेले बंदे जो कि स्कोप ऑन करके चारों तरफ देखते हुए, क्योंकि वो ही लाइन दे के ये जाने वाले हैं, और इसलिए आगे सभी रास्ता को यहाँ पर क्लियर करते हुए। यहाँ पर देख सकते हैं मिस्टर चेतन की टीम, वो भी यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जोन को जाने की ज़रूर कोशिश ये लोग भी करेंगे। और यहाँ पर 17 को जो अकेले बंदे, वो भी यहाँ पर थोड़ा लूट कंप्लीट नहीं हुआ है शायद, वो लूटने की ज़रूर कोशिश किया जाएगा। और निरंजन की टीम भी यहाँ पर धीरे धीरे आगे जोन में बढ़ते हुए, लेकिन आगे 17 गोजों की टीम है। और देखते हैं दोस्तों इनके बीच क्या अर्ली क्लासेस देखने के लिए मिलेगा, या फिर ये इधर से निकल जाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। और यहाँ पर नीलू गेमिंग वाईटी की टीम, जो वेलक्स की टीम, यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पैदल ही भाग रहे हैं दोस्तों। एमिति खेली वो मोर टीम पूरा बब्बाल करी वो, अच्छा क्रिएटिव सॉन्ग्स बोल रहे हैं, ऐसे खेलेंगे हमारे टीम की, पूरा दिमाग हिला देंगे सबका, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर ट्रे वाइट नाभिक की टीम, और यहाँ पर देख सकते हैं बैड मोके की टीम के बीच यहाँ पर फाइट होता हुआ, और एक बंदा ट्रैप ले ली, यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं दोस्तों नाभिक की टीम के बंदे। यहाँ पर एक बंदे को और स्टो वाइट भी यहाँ पर नॉक पड़े हैं, और यहाँ पर फाइट होता हुआ है देख सकते हैं दोस्तों। बॉर्बोन जो कि यहाँ पर घुस चुके हैं, और यहाँ पर ट्रैप सोनाई जो कि सीधा पूछ देते हैं बॉर्बन के ऊपर, लेकिन बॉर्बन के पास डीबीएस है दोस्तों, और यहाँ पर हील किया जाएगा। और ट्रैप खुशी को यहाँ पर किलर विक्रम के द्वारा यहाँ पर फिनिश किया जाएगा, और एक टीम यहाँ पर आ चुका है दोस्तों किलर विक्रम की थर्ड पार्टी करते हुए पीछे से। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही शानदार ट्रैप सोनाई जो बॉर्बन को यहाँ पर नॉक करके फिनिश जरूर करेंगे, और ट्रैप स्ट्रॉय वाइट को यहाँ पर ट्रैप सोनाई यहाँ पर फिनिश करेंगे। और दो ही बंदे नाभिक टीम के हैं, और वो लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ के यहाँ पर रश करने की जरूर कोशिश किया जाएगा। यहाँ पर ट्रैप सोना ही मुझे लगता है अकेले बंदे यहाँ पर हैं, देखते हैं क्या होता है। ये नाभिक की टीम यहाँ पर दो ही बंदे हैं, और ट्रैप सोना ही जो अकेले बंदे यहाँ पर हैं, तीन बंदे ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं। और पीछे से यहाँ पर थर्ड पार्टी करते हुए और एक टीम, मुझे लगता है किलर विक्रम की टीम, यहाँ पर थर्ड पार्टी करते हुए जोकर को और नाभिक को 1 HP करते हुए, यहाँ पर जोकर 1 HP है, एक गोली लगता तो वो भी यहाँ पर नॉक होते, लेकिन यहाँ पर सूझबूझ के साथ पीछे फॉल बैक करते हुए यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर थर्ड पार्टी के ऊपर थर्ड पार्टी होता हुआ, लेकिन किलर विक्रम को पता नहीं इधर बंदा है और वो घुसे जा रहे हैं, देखते हैं क्या दिमाग लगा के आए हैं किलर विक्रम। और यहाँ पर ओपन में आकर फाइट देते हुए किलर विक्रम जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पर डैमेज पड़ते हुए पीछे जरूर भागेंगे। और सुरेश वाइट भी यहाँ पर आगे बढ़ते हुए, लेकिन ट्रैप सोनाई अंदर पूरा आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि नाभिक की टीम को भी पता, यहाँ पर सुरेश वाइट अंदर घुसने की जरूर कोशिश कर रहे थे। ट्रैप सोनाई यहाँ पर स्पॉट करेंगे, यहाँ पर डीपीएस लेके यहाँ पर सुरेश वाइट को नॉक करते हुए, और किलर विक्रम के भी यहाँ पर फिनिश करेंगे नॉक करके, और इसी के साथ ट्रैप सोनाई को भी यहाँ पर फिनिश किया जाएगा यहाँ पर मिस्टर प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन दो बंदे को यहाँ पर लेंगे, और यहाँ पर 2v2 का सिचुएशन, यहाँ पर नाभिक की टीम यहाँ पर नॉक करेंगे नाभिक को, यहाँ पर आर्गियर यहाँ पर नॉक करते हुए।
दो ही बंदे हैं और जोकर अकेले बंदे, 1v2 का सिचुएशन यहाँ पर। जोकर को स्पॉट करेंगे शायद अडगर, और देख चुके हैं शायद नेट करने की जरूर कोशिश किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट को भी यहाँ पर नॉक किया जाएगा जोकर के द्वारा। और 1v1 का सिचुएशन देखते हैं कौन सा प्लेयर यहाँ पर बाजी मारता है और अपनी टीम को यहाँ पर इस बुरी हालत से निकालता है। देखेंगे दोस्तों। और यहाँ पर नेट करने की बहुत ही कोशिश किया जा रहा है, लेकिन गलत जगह नेट कर रहे हैं जोकर, जो कि यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों। देख सकते हैं जोकर धीरे धीरे यहाँ पर फ्लैंक करते हुए, जोकर जो कि दिमाग लगाते हुए, और यहाँ पर बहुत ही सूझबूझ के साथ जोकर देख सकते हैं पीछे से आगे मारने की कोशिश करेंगे अर्गिर को। अर्गिर को पता नहीं बंदे ऊपर आ गया है, लेकिन यह क्या होता है देख सकते हैं दोस्तों। धीरे धीरे यहाँ पर जोकर बढ़ते हुए, और साउंड भी सुन चुके हैं शायद अर्गिर साउंड सुन चुके हैं, और यह फुटप्रिंट का साउंड ऑलरेडी सुन चुके हैं। देखते हैं 1v1 का सिचुएशन, जोकर की हाइट एडवांटेज में है, और ये अपने जोकर क्या करते हैं देखते हैं। बहुत शानदार नेड आया था, लेकिन यहाँ पर बच चुके हैं जोकर, और बहुत ही शानदार नेड यहाँ पर DDX एडगियर के द्वारा, और यहाँ पर फिनिश किया जाएगा। यहाँ पर अकेले बंदे जोकर थे ना भी टीम को यहाँ पर एलिमिनेट करते हुए, यहाँ पर किलर विक्रम की टीम दो टीम को यहाँ पर एलिमिनेट करते हुए थर्ड पार्टी करके। यहाँ पर पहले बैड मौके और नाभी की टीम के बीच फाइट हुआ था, लेकिन पीछे से आगे थर्ड पार्टी की थी किलर विक्रम की टीम और बाजी मारते हुए, लेकिन दो बंदे को यहाँ पर खो चुके हैं। क्लच मास्टर यहाँ पर मैक्सटोन सेक्स को यहाँ पर नॉकआउट देते हुए, और उनके बीच भी यहाँ पर फाइट होता हुआ, और मैक्सटोन के एक बंदे यहाँ पर फिनिश होते हुए। जेस डेल आदि की टीम और अंदर थे इसलिए फायदा उठा लिए, लेकिन यहाँ पर मैक्सटोन की टीम थोड़ा फॉल बैक करने की जरूर कोशिश करेंगे, और चारों तरफ बंदे हैं इनके। देखते हैं गाड़ी को, ओ गाड़ी से जा रहे थे शायद इसलिए ब्लास्ट कर दिए थे, लेकिन देखते हैं दोस्तों मैक्सटोन टीम और जिक्सडेल आदि की टीम के बीच में यहाँ पर फाइट होता हुआ। देखते हैं कौन सा टीम किस पे भारी पड़ता है और कौन किस को एलिमिनेट करता है। यहाँ पर मनोज बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जोन के अंदर और बहुत ही कवर में है GXDL आदि की टीम, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर। लेकिन जार्विस क्लच मास्टर मुझे लगता है गाड़ी लेके यहाँ पर रश करने के मूड में जा रहे हैं शायद। देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं ये लोग। जी हाँ, गाड़ी को सेव किए हैं, मुझे नहीं लगता है ये जाके अर्ली क्लासेस में जुड़ेंगे, क्योंकि प्लेसमेंट पॉइंट में थोड़ा देखना पड़ेगा इनको। और मैक्सटोन साहू को यहाँ पर क्लच मास्टर नॉकआउट देते हुए, और गाड़ी लेकर पुश करने की जरूर कोशिश किया जाएगा। और जार्विस जो भी गाड़ी लेके ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पर चारों तरफ से घिर चुके हैं, यहाँ पर मैक्सटोन साहब को फिनिश किया जाएगा पूरा। और धीरे धीरे आगे बढ़ने की जरूर कोशिश किया जाएगा। मनोज ब्रो को भी सपोर्ट करेंगे शायद, अकेले बंद दो ही बंदे यहाँ पर, 2v4 का सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर पीछे से चले गए हैं। जॉर्डन को शायद सपोर्ट कर चुके हैं जार्विस, और धीरे धीरे अंदर आते हुए, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट जॉर्डन जो कि DPS एक फटकर से यहाँ पर जार्विस को फिनिश देते हुए, और इसी के साथ GXDL आदि को भी यहाँ पर मनोज ब्रो यहाँ पर AKM से नॉकआउट करते हुए। और क्या ही सिचुएशन हो गया भाई, रश करने के लिए आ रहे थे यहाँ पर GXDL के आदि की टीम, लेकिन मनोज ब्रो को सपोर्ट किया जाएगा ऊपर। यहाँ पर गोल्डन स्पाइडर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर जॉर्डन को भी यहाँ पर 20 HP करते हुए यहाँ पर, और यहाँ पर मनोज ब्रो को फिनिश किया जाएगा, और GXDL आदि को यहाँ पर नॉक को यहाँ पर रिवाइव दे दिया जा सकता है। लेकिन देखते हैं जोड़न जो अकेले बंदे बचे हैं क्या मुसीबत पैदा कर सकते हैं क्या GXDL आदि की टीम के ऊपर, ये देखने वाली बात रहेगी दोस्तों। और धीरे धीरे यहाँ पर नेक्स्ट जोड़न भी यहाँ पर कुछ फ्लैंक करके यहाँ पर किल सिक्योर करने की जरूर कोशिश करेंगे शायद मुझे लगता है, लेकिन देखते हैं क्या वाला स्ट्रेटेजी अपनाते हैं जोड़न। लेकिन सूझबूझ के साथ इधर से निकल जाना ही ठीक रहेगा ये सोच के गाड़ी लेके निकलने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन डैमेज बढ़ता हुआ यहाँ पर गोल्डन स्पाइडर के द्वारा, और बहुत ही सूझबूझ के साथ यहाँ पर जोड़न बहुत दूर भाग चुके हैं यहाँ पर गाड़ी लेके। यहाँ पर जोन जाने की जरूर कोशिश किया जाएगा, जोन टू एज खेलना पड़ेगा, अकेले बंदे यहाँ पर अलाइव हैं, और GXDL के आदि एक बंदे को खो चुके, लेकिन तीन सागर से ये लोग भी निकल चुके हैं यहाँ पर। अब थोड़ा चलते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं दो ही बंदे यहाँ पर किलर विक्रम के हैं, चार सागर से ये लोग भी आराम से निकल चुके हैं। डेविल ब्रो के ऊपर यहाँ पर नज़र डालते हैं दोस्तों, डेविल ब्रो के चार बंदे यहाँ पर हैं, और यहाँ पर थोड़ा गोडल बीरो के ऊपर यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, गोडल बीरो की टीम वो लोग भी जोन में आके यहाँ पर होल्ड करेंगे थोड़ा,
क्योंकि जोन के अंदर है और थोड़ा वन शॉट की टीम के ऊपर यहाँ पर नज़र डालते हैं दोस्तों। यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वन शॉट की टीम भी यहाँ पर पर्पल स्क्वाड के साथ वो लोग भी खेल रहे हैं, देख सकते हैं धीरे धीरे आगे जोन जोन के एज टू एज खेल रहे हैं और ये लोग भी थोड़ा फ्रैक्स निकालने की जरूर कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों वेलेक्स की टीम की तरफ यहाँ पर नज़र डालते हैं थोड़ा। वेलेक्स की टीम भी यहाँ पर लूट में लूट करते हुए, प्रॉपर लूट हो चुका है इनका, फिर भी थोड़ा लूट करेंगे और आगे पीछे चारों तरफ देखेंगे। और डे निरंजन की टीम भी यहाँ पर लूट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और सामने 30 फिस्ट 20 हम इसको साइड सपोर्ट कर चुके हैं। और डे निरंजन देखते हैं क्या ये होता है। और ओपन में शायद भाग के आ रहे हैं शायद 30 फिस्ट 20 एम एस, और ये लोग भी जाने की कोशिश जरूर करेंगे। और थोड़ा मिस्टर चेतन की टीम की तरफ यहाँ पर नज़र डालते हैं दोस्तों। ये लोग भी जोन के अंदर यहाँ पर हैं और थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अभी तो 30 फिस्ट 20 एम एस अकेले बंदे सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने वाले बंदे वो यहाँ पर लेट चुके हैं और चारों तरफ बंदे ही बंदे हैं, देखते हैं वो एक बंदा किस पे भारी पड़ता है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जोड़ान जो अकेले बंदे यहाँ पर खेल रहे हैं वो यहाँ पर जोन जाने की जरूर कोशिश करेंगे। जोन में है शायद जोड़ान, यहाँ पर जोन में है तो जोन क्यों जा रहे हैं। इधर थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा लेकिन आसपास और एक स्क्वाड शायद आ गया है। यहाँ पर चेस्ट डील गाड़ी पीछे पड़ गया है शायद जोड़ान के, लेकिन वो भी इनकी गाड़ी साउंड सुन के वो भी पीछे थोड़ा फॉल बैक करेंगे। अकेले बंदे आ रहे थे पीछे भाग गए हैं, वो भी रिस्क नहीं लेना चाहते। वो भी कौन रिस्क लेगा भाई। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सारे के सारे टीम यहाँ पर जुट चुके हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों चारों तरफ बंदे ही बंदे खेल रहे हैं। यहाँ पर चारों तरफ बंदे हैं दोस्तों, अभी जोन थोड़ा थोड़ा सिंक होता हुआ और अभी जो जबरदस्त फाइट होने के लिए कगार पे हैं और जबरदस्त फाइट भी होगा। यहाँ पर देख सकते हैं चार के सारे बंदे डार्क बैग की जो कि जातिन को यहाँ पर नॉकआउट देते हुए, और यहाँ पर गोडल बीरो, और यहाँ पर वन शॉट के टीम के फाइट होता हुआ और यहाँ पर डार्क बैंक वो भी नॉकआउट करेंगे वेनम और कोहरा गोडल बीरो करते हुए। और यहाँ पर पांडा भी यहाँ पर आसपास है, बंदे को स्पॉट करेंगे और आकाश को यहाँ पर नॉकआउट किया जाएगा और फिनिश भी करेंगे शायद नॉकआउट, और फिनिश कर चुके हैं यहाँ पर दो बंदे को ऑलरेडी यहाँ पर डाउन करके फिनिश किया जा चुका है। यहाँ पर बेरी जो कि बिलक मीरा को यहाँ पर नॉकआउट देते हुए, और अकेले बंदे यहाँ पर स्टेपदार को यहाँ पर और स्टेपदार को भी यहाँ पर गोडल बीरो के द्वारा नॉकआउट दिया जाएगा। और वन शॉट की टीम और गोडल बीरो की टीम के बीच यहाँ पर बहुत ही तगड़ा वाला फाइट चला है। और एसटीएफ लेजेंड जो कि अकेले बंदे यहाँ पर दो बंदे पे भारी पड़ रहे हैं नेट के ऊपर नेट करते हुए, एक नेट जाएगा तो यहाँ पर दिक्कत में आ सकते हैं, यहाँ पर नहीं तो बाहर पड़ गया या गिर गया। और यहाँ पर सीवेट वैनम जो कि यहाँ पर कुछ प्रॉपर पूछ देते हुए, और इसी के साथ वन एच पी थे लेकिन यहाँ पर
मैनों को यहाँ पर नॉक किया जाएगा और जाकिन अकेले बंदे यहाँ पर है, देखते हैं 1v1 का सिचुएशन यहाँ पर गॉडल बीरो यहाँ पर, और इसी के साथ गॉडल बीरो यहाँ पर फिनिश देते हुए, और क्या ही मैच हुआ दोस्तों यहाँ पर। गॉडल बीरो जो कि जितनी तारीफ करे उतनी कम, बहुत ही शानदार तरीके से लास्ट में खेले और अपने टीम को यहाँ पर आश्वासन देखते हुए, लेकिन दो बंदे यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं यहाँ पर 30 MS 20 MS एक बंदे को यहाँ पर नॉकआउट करते हुए यार मैक्सटोन टीम के, और यही वो बंदा है दोस्तों जो सबको यहाँ पर दिक्कत देने वाला है। मैं बोल रहा था ना अकेले बंदे सब पे भारी, देख सकते हैं मैक्सटोन के एक बंदे को ये लेते हुए, और यहाँ पर मैक्सटोन जो अकेले बंदे थे यहाँ पर फिनिश करते हुए जोर्डन को, और इसी के साथ मैक्सटोन टीम भी यहाँ पर एलिमिनेशन हो चुके होते हुए, और यहाँ पर वन शॉट की टीम बहुत ही तगड़ी खेली थी, लेकिन यहाँ पर गॉडल बीरो की टीम उनको यहाँ पर एलिमिनेट करते हुए दोस्तों, और यहाँ निरंजन की टीम भी यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पर स्टीव लेजेंड को वन शॉट ये जो फाइट हो चुका है दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर नॉकआउट पड़े हैं, और इसी के साथ नाइल जो टीम स्टीव लेजेंड को यहाँ पर फिनिश देते हुए, दो ही बंदे यहाँ पर अलाइव थे उनको भी यहाँ पर गॉडल बीरो की टीम को यहाँ पर फिनिश दिया जाएगा मिस्टर चेतन टीम के द्वारा, और तीन बंदे हैं भाई गॉडल बीरो जो अकेले बंदे यहाँ पर हैं जोन के बाहर हैं शायद, और धीरे धीरे जोन जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जोन बहुत दूर है, और दोस्तों क्या ही बताएं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अगर अच्छा हील होगा तो आराम से जोन जा सकते हैं गॉडल बीरो, और तो थोड़ा डेविल ब्रो की टीम के ऊपर नज़र डालते हैं दोस्तों, और धीरे धीरे डेविल ब्रो की टीम भी यहाँ पर आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पर 19 नंबर की टीम और 3 नंबर की टीम के बीच यहाँ पर फाइट होता हुआ देख सकते हैं, मिस्टर चेतन की टीम भी यहाँ पर आ चुका है यहाँ पर आर्गर जहाँ पर चढ़े हैं चारों तरफ बंदे देख सकते हैं, और यहाँ पर धीरे धीरे एंट्री करते हुए 19 नंबर की टीम, और 30 MS 20 MS बैरी को यहाँ पर नॉकआउट देते हुए देख सकते हैं दोस्तों, और फिनिश भी देते हुए, और क्या ही खेल रहे हैं भाई सभी टीम को यहाँ पर दिक्कत में डालते हुए, बेरी को यहाँ पर फिनिश दिया जाएगा जो निरंजन के जो बंदे के प्लेयर थे, और यहाँ पर डेविल ब्रो 1777 को यहाँ पर नॉकआउट देते हुए, और डेविल ब्रो के टीम के पीछे यहाँ पर फाइट हो चुका है दोस्तों, फिनिश भी करेंगे शायद डेविल ब्रो की टीम जो पीछे से थे वो यहाँ पर, लेकिन बहुत ही सेफ जगह है, और क्या ही नेट गिरा था 1H शायद 20 HP होंगे इनके पास तो बंदे नहीं है मुझे लगता है, और इसी के साथ क्या ही शानदार नेट टीम डीडीएस के हाथ अडगिर के द्वारा एक फ्री किल लेते हुए, और यहाँ पर चारों तरफ देख सकते हैं 8 टीम अभी भी अलाइव हैं दोस्तों, 19 बंदे यहाँ पर अलाइव हैं, और धीरे धीरे सभी के टीम के बीच यहाँ पर फाइट होने वाला है, यहाँ पर गैलेक्सी टीम भी यहाँ पर प्रोफेसर के पास आएंगे शायद मुझे लगता है, और धीरे धीरे देख सकते हैं यहाँ पर डेविल ब्रो की टीम यहाँ पर मिस्टर चेतन की टीम और किलर विक्रम की टीम चारों तरफ से बंदे हैं, और गॉडल बीरो भी पीछे से आ रहे हैं, और यहाँ पर बहुत ही तगड़ी फाइट देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर 2v2 के सिचुएशन प्ले जोन में यहाँ पर गॉडल बीरो यहाँ पर फिनिश होंगे दोस्तों, इसी के साथ डेविल ब्रो की टीम जो स्प्लिट होकर खेल रहे हैं चारों तरफ, दो बंदे इधर दो बंदे उधर, और यहाँ पर गॉडल स्पाइडर को यहाँ पर वेलेक्स सौरभ के द्वारा यहाँ पर नॉक किया जाएगा, और वेलेक्स टीम भी यहाँ पर फाइट में इंक्लूड होते हुए, और यहाँ पर नेट करने की कोशिश करेंगे जैसे डीएल आदि को यहाँ पर डैमेज देने की कोशिश जरूर करेंगे मैडमैक्स, और डार्क भैनों को डेविल ब्रो यहाँ पर नॉकआउट देते हुए वेल्डी, लेकिन डेविल ब्रो को यहाँ पर नॉकआउट देते हुए उनके बीच भी फाइट हो चुका है दोस्तों, और डेविल ब्रो यहाँ पर जोन के बाहर नॉक हो चुके हैं, यहाँ पर हॉटडोर भी नॉक हैं, दो ही बंदे यहाँ पर अलाइव हैं, और देखते हैं ये कौन क्या करते हैं, इनको भी यहाँ पर डैमेज पड़ता हुआ, और यहाँ पर प्रेसिडेंट यहाँ पर डेविल ब्रो को यहाँ पर फिनिश देते हुए, और इसी के साथ प्रेसिडेंट हॉटडोर प्रेसिडेंट टीम जो कि यहाँ पर पीछे से यहाँ पर, और प्रेसिडेंट भी नॉक होंगे, अटगिर अकेले बंदे यहाँ पर अलाइव है, देखते हैं जोन जा पाते कि नहीं, वेलेक्सी टीम के बीच वहाँ पर जबरदस्त फाइट होता हुआ यहाँ पर देख सकते हैं, वेलेक्सी टीम 4 के 4 बंदे यहाँ पर अलाइव है दोस्तों, और दो फिनिशेस ऑलरेडी निकल चुके हैं, और डेविल विकास यहाँ पर हुए यहाँ पर किलर विक्रम के एक बंदे अटगिर को यहाँ पर फिनिश करेंगे, और देख सकते हैं 4 ही टीम है और 7 बंदे यहाँ पर अलाइव है, लेकिन वेलेक्स की टीम के 4 बंदे यहाँ पर इजी चिकन है इनके, मुझे लगता है इजी चिकन करेंगे ये लोग क्योंकि सारे 3 टीम के एक एक बंदे हैं और ये 4 के 4 बंदे अकेले हैं, लेकिन देखते हैं दोस्तों क्या होता है, 30 MS 20 MS किसी को सपोर्ट किए हैं शायद और मारने की जरूर कोशिश करेंगे यहाँ पर, लेकिन इनको भी यहाँ पर डैमेज पड़ता हुआ पीछे जरूर आएंगे, और यहाँ पर मैडमैक्स क्लच मास्टर यहाँ पर नॉकआउट देते हुए,
देख सकते हैं यहाँ पर कॉस्ट मास्टर टोटल यहाँ पर मैड मैक्स को यहाँ फिनिश करते हुए यहाँ छह ही बंदे अलाइव है और यहाँ पर 30 FPS 20 FPS में इसको यहाँ पर नॉक किया जाएगा, फिनिश किया जाएगा सॉरी। यहाँ पर क्रॉस मास्टर धीरे धीरे जोन जाने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर स्पोर्ट कर चुके हैं वेलेंस की टीम और डैमेज देने की जरूर कोशिश करेंगे क्रॉस मास्टर और वेलेंस सोलो आपने सामने हो चुके हैं। और इसी के साथ यहाँ पर फिनिश करते हैं क्रॉस मास्टर को। अभी 1v3 का सिचुएशन चल रहा है दोस्तों, दो ही टीम है यहाँ पर 1v3 का सिचुएशन है और यहाँ पर डेविल विकास अकेले बंदे, वेलेस टीम के तीन बंदे 1v3 का सिचुएशन। देखते हैं क्या होता है, डेविल विकास क्या कमाल करके दिखाते हैं अपने टीम के लिए, क्या 1v3 कर सकते हैं ये देखने वाली बात नहीं दोस्तों। और बहुत सारा डैमेज देते हुए दो बंदे को यहाँ पर, लेकिन पीछे से और एक बंदा यहाँ पर आ चुका है दोस्तों, नेल्यू गेमिंग YT जो कि जोन के बाहर है शायद, विकास जोन जाने की जरूर कोशिश करेंगे लेकिन जोन आने नहीं दिया जाएगा, नेर के ऊपर नेर कर रहे हैं और स्पॉट भी करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों वेलेक्स टीम की यहाँ पर बाजी मारते हुए फिर से दोस्तों चिकन डिनर में अपने नाम जुड़ते हुए यहाँ पर वेलेक्स टीम देख सकते हैं 6 किल के साथ यहाँ पर चिकन डिनर करते हुए। लेवल प्रो की टीम भी यहाँ पर बहुत अच्छी खेली थी लेकिन क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, वो 5 किल के साथ यहाँ पर नंबर 2 पे आए हैं और 3 नंबर पर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर GXDL आदि की टीम 4 किल के साथ 30 FPS 20 FPS जो 3 किल के साथ यहाँ पर दोस्तों 4 नंबर पर आया हुआ है। और किलर विक्रम की टीम बहुत ही तगड़ी खेल